आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के सेवा विस्तार के बाद अब पुलिस महकमे के मुखिया को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज डीजीपी के नाम को लेकर दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की डीपीसी होनी है। राज्य सरकार की ओर से डीजीपी को लेकर 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम दिल्ली भेजे गए हैं। आपको बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार के नवंबर 2023 में सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभारी डीजीपी के तौर पर अभिनव कुमार को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अब सरकार ने फुल फ्लैश डीजीपी के लिए कवायद शुरू कर दी है। जो नाम दिल्ली डीपीसी के लिए भेजे गए हैं उनमें 1995 बैच के आईपीएस दीपम सेठ और डॉक्टर वीपी के प्रसाद का नाम शामिल है। साथ ही 1996 बैच के अभिनय कुमार, जो कि इस वक्त कार्यवाह डीजीपी का काम देख रहे हैं, 1997 बैच के अमित सिन्हा, वी मुर्गेशन और संजय गुंजियाल का नाम भी इस सूची में शामिल है। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद अभी भी अभिनव कुमार बने हुए हैं, ऐसे में उनके नाम पर ही अंतिम मोहर लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।